नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नियोजित शिक्षकों का मामला अभी भी तुल पकड़े हुए है और उसी में जदयू के विधान परिषद के सदस्य हैं डॉक्टर संजीव सिंह। उन्होंने कल कहा कि नहीं, नई नियमावली से लेके जो भी चीज़ें आई हैं सामने उसमें कुछ न कुछ दोष तो निश्चित तौर पे है। हम अभी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के पास हैं और जानना चाहेंगे कि वो अपने स्तर से क्या कहना चाहते हैं सरकार को, सरकार को उन्होंने क्या सलाह दी है कि इन नियोजित शिक्षकों की किस तरीके से भलाई हो सकती है। डॉक्टर संजीव सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षकों की भलाई से पहले भाई साहब सबसे पहले शिक्षा की बात आना चाहिए, शिक्षा की बात आनी चाहिए, फिर शिक्षार्थी की बात आना चाहिए। चूँकि शिक्षकों की नियुक्ति इसीलिए ही होती है जो कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा गुणात्मक शिक्षा का लाभ छात्र छात्राओं को मिलता रहे। आप बीते हुए वर्षों में आपने नियोजन की जटिल प्रक्रिया के चलते आप रोज बरोज देखते होंगे, सरकार खुद, विभाग खुद कहती है जो कि हमारे पास शिक्षकों की नियुक्ति है, हम 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, 2 लाख करेंगे। पहले तो ये सारा समय उसी में चला गया, नियोजनवाद की जटिल प्रक्रिया में। खैर, सरकार ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया जो कि अब नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति नहीं होगी और उसके बाद अब शिक्षकों का जिला कैडर होगा और जो भी फ्रेश नियुक्तियां होंगी वो राज्य कैडर उसको मिलेगा, राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा राज्य संवर्ग। अब प्रश्न यह है जो कि जो 2006 से लेकर के पिछले समय तक जो लास्ट जो नियोजन हुआ था उसके तहत जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनके लिए तो नियमावली बनी थी, किसी भी नियमावली के तहत ही किन्हीं की नियुक्ति होती है। तो आपने जो भी विज्ञापन दिया था, फिर जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने उनके लिए तय किया था, तो उस क्वालिफिकेशन में बाद में 2006 के बाद केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया अब कोई भी शिक्षक होंगे तो वो प्रशिक्षित ही होंगे प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक। और उसमें उन्होंने जब ये अनिवार्य कर दिया तो आपको याद होगा या हम लोग तो जान ही रहे हैं शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते, उस समय बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षित नहीं थे तो उनको सरकार ने, केंद्र सरकार से अनुमति ली और उनको प्रशिक्षित करवाया। जो प्रशिक्षित हुए वो शिक्षक, तो प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो अपने आप शिक्षकों को किस तरह से अपने ज्ञान कौशल का वो लाभ दूसरे को दे सकें, शिक्षार्थी को दे सकें, तो इसके लिए ही प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम है। और किस कक्षा के लिए DL.ED होगा, किस कक्षा के लिए BEd होगा, ये सब सारा कुछ तय है, सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार को लगा जो कि नहीं, हमने जो डिग्री आधारित नियुक्ति दी है तो हमने वो सही किया है या गलत किया है, तो सरकार ने उसके लिए उदारवादी नीति अपना करके एक परीक्षा भी ली जिसको हम दक्षता मूल्यांकन परीक्षा सरकार ने नाम दिया। उसके बाद विभिन्न तरीके का पात्रता परीक्षा चलता गया। तो परीक्षा के पहले जो ये दक्षता शब्द आया, मूल्यांकन शब्द आया या पात्रता शब्द आया, वो तो शिक्षक की पात्रता के लिए, और सारे शिक्षक जो प्रशिक्षित हो करके अपना शिक्षण कार्य, अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं, वैसी स्थिति में आप ये देखें जो कि उनका जो पहले, उनके लिए जो पहले की नियमावली थी उसके तहत उनको कोई भी लाभ नहीं दिया गया। यहाँ तक कि स्थानांतरण का मामला भी सभी नियोजन इकाई का अपना अपना मन था, कभी भी सरकार ने उस पर, नियोजन इकाई पर इतना दबिश नहीं बनाया विभाग ने खास करके, क्योंकि अब शिक्षा विभाग के साथ साथ उसमें जनप्रतिनिधि भी थे, जिला परिषद के सदस्य थे, नगर निगम के सब, अब उसमें सदस्य सचिव शिक्षा विभाग के पदाधिकारी होते थे, अब उसकी बैठक होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, स्थानांतरण होता था नहीं होता था। स्थानांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको सरकार ने संबंधित कर्मी को इसलिए दिया है जो कि
अपने सरकारी दायित्व के साथ साथ जो उनको दायित्व मिले हैं उसके साथ साथ पारिवारिक दायित्व का ही निर्वहन, सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन सहजतापूर्वक कर सकें। स्थानांतरण भी नहीं हुआ, कई बार नियमावली बदली गई। इस बार जो नियमावली आई तो आप देखेंगे उसमें अध्यापक शब्द आया। अब मान लीजिए विभाग के पदाधिकारी कोई कोई शब्द ऐसा निकाल लेते हैं जिसको जो हम और आपको लगेगा ऑर्नामेंटल है, लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं है। आपने इसके पूर्व में देखा उन्होंने एक शब्दावली गठित किया, वो नियोजन का जो नियमावली था उसमें गठित किया प्रधान अध्यापक, मतलब प्रधानाध्यापक का पद पहले से ही था लेकिन उसको सिर्फ अलग कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया प्रधान अध्यापक। वो इसलिए किया, विभाग ने इसलिए किया जो कि वहाँ पर विभाग का ये मंतव्य था या ये मानना होगा, कुछ पदाधिकारी बोल भी रहे थे, लेकिन नहीं इनको वो स्केल नहीं मिलेगा चूँकि ये नियमित नहीं हैं, ये वेतनमान में नहीं है सही वेतनमान में, इनको हम दूसरा वेतनमान देंगे इसीलिए हमने प्रधान अध्यापक नाम दिया। नाम से नहीं होता है, उनका काम है अध्यापन कार्य करना, वो सही में अध्यापक हैं। ये शब्दों की हेरा फेरी से नियमावली का प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा बना करके भेजा जाना और फिर पुराने जो भी शिक्षक हैं उनके साथ प्रोन्नति का मामला जुड़ा हुआ है, अब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप देख लें उनके भविष्य के लिए भी उसमें कुछ नहीं और वर्तमान के लिए भी कुछ नहीं है। वर्तमान में आप देख रहे हैं इसके पिछले नियमावली में था 10-20-30 पर सुनिश्चित उन्नयन योजना, जो वित्तीय उन्नयन है जिसको MACP कहते हैं, उसका नकदीकरण नहीं था। जो अवकाश संबंधी अधिकारिता किसी को होती है अब उसमें ऐसे केसेस मेरे संज्ञान में हैं जो कि मेडिकल के लिए साल साल वर्ष वर्ष एक एक वर्ष से पड़ा हुआ है नियोजन इकाई में, कहीं नगर आयुक्त नहीं कर रहा है, कहीं जिला DDC थे वो नहीं कर रहे थे, कहीं ADM हैं वो नहीं कर रहे हैं, कोई शिक्षक अगर योग्यता विस्तार करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। संजीव जी, यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। शिक्षकों ने जो नेता हैं, करीब 32 शिक्षक संघ हैं, उनके जो नेता हैं उन्होंने कहा कि हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, हम परीक्षा के तरीकों से भाग रहे हैं। और कितनों ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे बच्चे भी सीटेड बीटेड करके अब कहीं पढ़ा रहे हैं या बैठे हुए हैं। तो आपने जो भी बात की कि रिटायरमेंट का उनका समय आ गया है, कोई इतना ज़्यादा भविष्य निधि भी नहीं है, फिर से आप कह रहे हैं एग्जाम लेना, तो एक असमंजस की स्थिति सरकार ने खुद नहीं उत्पन्न कर दी है। निश्चित रूप से मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पुनः स्मारित कर रहा हूँ आपको जो कि जो शिक्षक अब सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं उनके लिए आप शर्त के साथ राज्य संवर्ग में जाने की बात कह रहे हैं। अगर कोई नई नियुक्ति होगी, अगर उनके लिए आप परीक्षा करते हैं, परीक्षा का शर्त रखते हैं, तो वो उस ढंग से तैयारी करेंगे, चूँकि उन्होंने अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो प्रशिक्षण के बाद उनका अपना जो दायित्व है जो कि शिक्षक पात्रता के लिए हम जो भी परीक्षा है उसकी तैयारी करें। लेकिन आप इतने कार्यानुभव के बाद, इतने शैक्षणिक अनुभव के बाद 2006 से नियोजन हुआ और लगातार चलता रहा, तो किन्हीं की सेवा 10 वर्ष, किन्हीं की सेवा 15 वर्ष, किन्हीं की सेवा कई वर्ष हो गए, उनको आपने ना प्रोन्नति दिया। कई सरकारें, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों पर और यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ है जो कि समायोजन हुआ है सीधे। आप एक कार्यकाल निर्धारित कर दें जो कि इतने अवधि का शैक्षणिक कार्यकाल जिनका होगा वो सीधे राज्य संवर्ग में, वहाँ 8 वर्षों के लिए किया गया है। जब सरकार यहाँ आप देख लें 86 में टेक ओवर हुआ, अधिग्रहण हुआ, तो एफिलिएटेड कॉलेज थे उसका सीधे सरकारीकरण हो गया। 1980 को जो राजकीय और राजकीयकृत विद्यालय प्रोजेक्ट विद्यालय का अधिग्रहण हुआ, सरकारीकरण हुआ, आपने सीधे सरकारीकरण कर दिया, उनके लिए कोई परीक्षा तो आपने नहीं रखा। जो शिक्षक बाद में नियुक्त हुए 2006 की नियमावली उसके बनी, उसके बाद जो भी शिक्षक नियुक्त हुए उनके लिए तो आपने कहीं भी परीक्षा आयोजित नहीं की, सीधे उनकी नियुक्ति हुई
कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, कहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, आप उसमें भी तो शर्त रख सकते थे, जो कि अब इनके लिए भी जैसे दक्षता मूल्यांकन परीक्षा लेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा लेंगे, वो भी कर सकते हैं, वो भी उन्होंने वो नहीं किया आपने। आप मदरसा है, संस्कृत है, अल्पसंख्यक विद्यालय है, आपको आश्चर्य होगा क्योंकि हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि हैं, देखते होंगे उसमें जो भी नियुक्तियां होती हैं वो प्रबंधन के द्वारा की जाती है, वो विभाग के द्वारा नहीं। पैसा सरकार, सैलरी सरकार देती है और वेतनमान पर नियुक्ति उनकी की गई है पहले भी, बाद में जैसे जैसे नियोजन के आधार पर नियुक्त शिक्षक थे उनके ही तरह उनके साथ भी किया जाने लगा। तो आप बहुत दिन तो वो नहीं हुआ है, लेकिन आप इनके लिए अगर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है जो संघ संगठन और अखबार में और मीडिया में जो सारी बातें आ रही हैं, हमको लगता है सरकार को उच्च स्तरीय समीक्षा करके नियमावली को पुनर्संशोधित करना चाहिए और परीक्षा की शर्त को शिथिल करते हुए आप उनके कार्यकाल के आधार पर, निर्धारित कार्यकाल के आधार पर उनको राज्य संवर्ग दीजिए। प्लस जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा करके जो नियुक्ति के लिए बड़ी परिवार में खुशी थी, जो कि हमारी अब नियुक्ति होगी, माने 4 वर्ष का पाठ्यक्रम, उसमें भी बीएड पाठ्यक्रम कितना महंगा होता है कहीं कहीं आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने शिक्षक बनने के लिए किया और कहाँ वह नियुक्ति पत्र मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके साथ अब ये हो गया। तो अब आखिर रोजगार भी देना है हमको, शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी ध्यान देना है हमको, स्कूल में शिक्षकों को भी विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षकों की भी नियुक्ति करनी है। तो ये सारा चीज़ हमको लगता है, मुझे लगता है जो कि ये सारा चीज़ फुलफिल नहीं हो सकेगा, जो सोच है फिर इसमें कहीं ना कहीं ये होगा। और कितने तरह के शिक्षक होंगे, कितने तरह के शिक्षक एक ही विद्यालय में होंगे, ये इससे क्या शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी? वास्तविकता यही है, इससे बुरी तरह शैक्षणिक माहौल प्रभावित होगा। एक शिक्षक देख रहा है जो कि हम 15 वर्षों तक काम किए, 17 वर्षों तक काम किए, 10 वर्ष तक काम किए, हमारे बाद ये नया है, इनका वेतन ये है, इनकी छुट्टियां ऐसे मिलती हैं, इनकी सेवा शर्तें इतनी अच्छी हैं और हमारी सेवा शर्तें जहां की तहां रखी हुई। डॉक्टर साहब, आप शिक्षक क्षेत्र से आते ही हैं, शिक्षक संघों ने एक तरह से प्लान किया है कि वो जनगणना का, दूसरे चरण की जनगणना का बहिष्कार करेंगे, यदि सरकार नहीं नियमावली में बदलाव करती है तो हड़ताल तक जाने की सोच रहे हैं। क्या यदि वो हड़ताल पर चले गए या कार्यों का बहिष्कार किया तो सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? विद्यालय बंद हो जाएंगे, नीतीश कुमार की ड्रीम योजना है जातीय जनगणना, ये बंद शिथिल पड़ जाएगी। देखिए, एक बात है, अगर संघ संगठन का कोई भी आंदोलन होता है तो बहुत तरह के कार्य प्रभावित होते हैं और आप देखेंगे दो महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसा है, एक शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्ती ये में है। इन जगहों में, शैक्षणिक संस्थानों में अगर आंदोलन होगा, अगर तालाबंदी होगी, अगर हड़ताल होगा तो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा, समाज को भुगतना पड़ेगा। आज उन्हीं शिक्षकों के चलते आप देखिए कितने रिकॉर्ड टाइम में, ठीक है जो भी अपना पीठ थपथपा लें, लेकिन हकीकत यही है कि इन्हीं शिक्षकों के चलते वो मूल्यांकन समय से पहले हो, सबसे पहले। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्रेज अगर है, ठीक है अध्यक्ष हैं या सरकार सोच रही है, जो कि ठीक है ICSE और CBSE से बिहार बोर्ड कम नहीं हो, या अन्य राज्य के बोर्ड भी देखें जो कि बिहार बोर्ड क्या कर रही है, लेकिन क्या इसमें अगर योगदान का पैमाना देखा जाएगा तो निश्चित रूप से हमको लगता है जो कि 90% योगदान उन्हीं शिक्षकों का है जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त हुए थे। आप उसमें देख लें, अब जो रिजल्ट जैसे निकलता है उसमें प्राइमरी विद्यालय के, प्राइमरी स्कूल के टीचर, मिडिल स्कूल के टीचर भी उसमें कुछ कंप्यूटर के कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किए जाते हैं।
तो सारा कुछ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सरकार में आप हैं, सरकार के विरुद्ध मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सरकार की इस नियमावली पर कि मैं आप हस्तक्षेप करें कि नहीं, नियमावली में फिर से बदलाव होना चाहिए, क्या कहीं आप नीतीश से विद्रोह करने वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, देखिए इसमें हस्तक्षेप की कोई बात नहीं है, नियमावली कैबिनेट के द्वारा, राज्य कैबिनेट के द्वारा होता है, हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं शिक्षा विभाग के उन नाकामियों को मैं बता रहा हूँ जो कि जिस तरह से नियमावली आनन फानन में शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव बनाया गया उसमें कहीं भी संजीदगी और संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, जो आज इस तरह का माहौल हो रहा है, शिक्षक आंदोलित। डॉक्टर साहब, आप जब नाकामियों को गिना रहे हैं तो आप सरकार के विरुद्ध, आपकी सरकार है, सलाह भी आप दे सकते थे, लेकिन आप नियमावली में जो, मैं पुनः कह रहा हूँ, सरकार सबकी होती है, जब निर्वाचित होती है सरकार वो सबकी होती है। सरकार एक व्यवस्था है, एक तंत्र है, लेकिन उस तंत्र में जो वास्तविकता है, जो लोक कल्याणकारी बातें हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, कई चैनल से मेरी बात हुई है, आप कोई भी सामान्य आदमी भी अगर गांव का है तो जिस तरह की योजना सरकार के द्वारा चलाई गई, महत्वाकांक्षी योजनाएं, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति इत्यादि इत्यादि, अब आप समझिए क्यों चलाया गया, सिर्फ एक ही कारण उसका था जो कि स्कूल की तरफ बच्चे आकर्षित, ड्रॉप आउट नहीं के बराबर, सारे बच्चे स्कूल जाएं, इसी के लिए ना चलाया गया। लेकिन शिक्षकों के नियोजनवाद के चलते शिक्षकों की भारी कमी, तो उसका तो लाभ नहीं मिला। किसी भी विद्यालय में कोई भी लिपिक नहीं है, कोई भी लिपिक नहीं है किसी भी विद्यालय में। अब लिपिक की नियुक्ति आज तक नहीं की जा रही है, अनुकंपा का नियमावली में प्रावधान है, अनुकंपा पर नियुक्ति कहीं नहीं की जा रही है, तो इन बातों को शिक्षा विभाग क्यों छोड़ दे रही है? मैं यही मुझको आपत्ति है, मुझे आपत्ति है यही, जो कि आप अगर आगे की ओर चलेंगे तो पीछे की सारी खामियों को दूर करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी बढ़ना सार्थक होगा। डॉक्टर साहब, आप सरकार में हैं भी और सरकार में आपके दूसरे पार्टी के जो सदस्य हैं वो इस आंदोलन को अपने रूप से अब डील करना चाहते हैं, शिक्षक संघ के लोग भी उनसे मिल रहे हैं, इस पर क्या कहना है आप? देखिए मेरा सिर्फ कहना, मैं विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में हूँ। दूसरी बात, आंदोलन का राजनीतिकरण हो ये अच्छी बात नहीं है, हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षक के लिए जो भी वास्तविकता होनी चाहिए या शिक्षा के लिए जो भी संदर्भ, शिक्षा के संदर्भ में जो भी बातें आना चाहिए, शिक्षकों के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, उसको हम देखेंगे। लेकिन अगर आंदोलन का राजनीतिकरण होगा तो आज तो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जिनको शिक्षा पर आज तक विधायिका में कोई सवाल भी नहीं किए होंगे, मुझे नहीं लगता है जो कि कोई सवाल भी किए होंगे जो कि शिक्षा क्या है, शिक्षक क्या है, यही अचरज लगता है। हम लोग तो शिक्षक प्रतिनिधि, मैं अपनी बात ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो कि विधान परिषद में जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, सरकार के तो होते ही नहीं हैं, सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में हों, शिक्षक प्रतिनिधि जितने भी हैं वो शिक्षकों की बातें और सार्थक रूप से रखते हैं, जो भी प्रश्न रखते हैं वह शिक्षक, शिक्षालय और शिक्षार्थी के रूप में सार्थक रूप से रखते हैं। ऐसा नहीं ना है कि डॉक्टर संजीव सिंह ने थोड़ा सा देर कर दिया इस मुद्दे को उठाने में? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी देर नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, चुनाव लगभग 5 तारीख को रिजल्ट निकला और ये नियमावली 10 अप्रैल को अधिसूचित हुई, 10 अप्रैल को नियमावली अधिसूचित हुई और उसी दिन से पता चला, चूँकि नियमावली जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे, हम तो कई लोगों का वक्तव्य ऐसा सुने हैं जो कि नियमावली नहीं पढ़े हैं हल्ला करने लगे, राजनीतिकरण तो यही ना है, नियमावली को पढ़ करके ही कुछ बोलना अच्छा रहता है। और नियमावली में इस बार चालाकी क्या किया गया है, उसमें कई कंडिकाओं में लिखा गया है जो कि ये बाद में किया जाएगा, अलग से किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये किया जाएगा, नियमावली में भी स्पष्टता नहीं है। इसीलिए शिक्षक समुदाय को लगता है जो कि आज इतने वर्ष शैक्षिक कार्य करने के बाद भी इस तरह से नियमावली में अस्पष्टता और परीक्षा के शर्त पर राज्य संवर्ग में जाने की बात,
तो ये कहीं ना कहीं उन्हें उद्वेलित कर रही है और हम भी असहज हो रहे हैं इस मामले में। क्या शिक्षक संघ 32 करीब संगठन है शिक्षकों के, करीब 28 एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जदयू आपसे मिलते हैं कि नहीं इस लड़ाई में आप भी हमारा साथ दीजिए तो आपका क्या? नहीं नहीं, वो मिल भी रहे हैं, हमसे भी मिल रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। हम शिक्षकों के साथ, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, हम शिक्षकों के साथ। करना सरकार को है, सरकार जब भी, जब राज्य कैबिनेट से निर्णय हुआ है, नियमावली बनी है, उस पर मुहर लगा है, फिर राज्य कैबिनेट ही उसमें संशोधन भी कर सकती है, शिक्षा विभाग पुनः प्रस्ताव भेज सकती है, इस पर विचार हो सकता है। मैंने इस संबंध में 3 पेज का पत्र भी लिखा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, और दोनों आदमी को पत्र लिख करके व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे मिलूँगा भी, और बहुत लोग मिल रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं निश्चित रूप से। तो ये और मुझे लगता है ऐसा, जो कि जिस तरह की बात है, जिस तरह का संदर्भ है, जिस तरह का आधार है, जो बातें उठ रही हैं, उसके आलोक में सरकार को सोचना ही चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार सोचेगी, हमें ऐसा लगता है। हम शिक्षक हैं और हमेशा शिक्षकों के साथ हैं। कैबिनेट ने नई नियमावली को पास किया है और डॉक्टर संजीव जो हैं वो तमाम मंत्रियों को लेटर भी लिख चुके हैं कि इस नियमावली में थोड़ा बहुत तो निश्चित तौर पे बदलाव होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार और उनके शिक्षा मंत्री क्या कुछ बदलाव करने के मूड में हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।